हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सुनिए, आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं हूँ अपने पार्लर में, एनएस ब्यूटी पार्लर तारिक रोड। और क्योंकि सब लोग इसकी तैयारियाँ करवा रहे सब लोग इसकी तैयारियाँ करवा रहे सब जो तुम लोग शीशे में आ रहे हो, फिर मैं हटाऊंगी नहीं दोनों को, किसी को भी नहीं हटाऊंगी। चलो उधर चले जाओ। तो आज मैं करवा रही हूँ थोड़ा सा अपनी फेस की सर्विस, क्योंकि ईद आ रही है, जाहिर सी बात है, दावतें होती हैं, आना जाना चीज़ें। तो मैं करवा रही हूँ अपनी थोड़ी सी फेशियल तो नहीं, वाइटनिंग ब्लीच। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। वाइटनिंग ब्लीच आप करवाऊंगी लॉ क्या हो गया मुझे करवाऊंगी अपने फेस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में मैं करवाऊंगी साइड पैक, क्योंकि मेरे छोटे छोटे से साइड्स पे मेरे फेशियल हेयर हैं, बट मैं पूरा फेस नहीं करवाती क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट है तो पिंपल्स आ जाते हैं। तो सिर्फ साइड्स करवाऊंगी ये, और यहाँ हल्के से, मतलब कि हल्के हल्के से रूमा, यहाँ साइड्स मेरी ज़्यादा हैं। और कौन सी वैक्सीन मैं यूज़ कर रही हूँ, क्या करवा रही हूँ, सब कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं। और साथ ही साथ पूरी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड होगी। ब्लीच बन रही है, ब्लीच पाउडर, कौन सा ये गोल्डन गर्ल का ब्लीच पाउडर। और इसमें डाला है ब्लीच पाउडर, वाइटनिंग पाउडर मेरी स्किन के अकॉर्डिंग। और अब हम इसको मिक्स करेंगे सूथिंग लोशन स्विस का, पॉलिश भी डाली। हाँ, स्विस का अगर सूथिंग लोशन भी आप इसमें इंक्लूड कर देंगी ब्लीच के अंदर, तो आपकी स्किन में कोई स्किन रेड नहीं होगी, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। स्किन पॉलिश भी अगर इंक्लूड कर देंगे स्विस का, तो स्किन काफ़ी अच्छी वाइट और स्मूथ हो जाएगी, ग्लो करती है। अब इसमें इंक्लूड कर रहे हैं हम 20 वॉल्यूम मिक्स करेंगे। हाँ, मिक्स करेंगे इसको, थिक पेस्ट बनना चाहिए, बिल्कुल पानी पानी ना हो। 20 वॉल्यूम बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लेंगे हम लोग। हाँ, छोटा ले लो। हाँ, अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बिल्कुल भी ब्लीच के ज़र्रात ना नज़र आए इसके अंदर, वरना इसका फिर रिजल्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छे तरीके से मिक्स करना है, फिर इसका थिक पेस्ट बनाना है और फिर अप्लाई करनी है फेस पे। तो आप बाल बांधेंगे तो तुम लोग हट जाओ मेरे सामने से। हंसे जा रहे हैं पागलों की तरह। मैं ये क्या जोकर हूँ क्या? मैं पर्दा बंद कर जाके पीछे दादो सर वगैरह, पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं इन लोगों के साथ। मैं सर ने ब्लॉग मेरा पहली दफा बन रहा, वरना मैं खामोशी से ब्लॉग बनाती थी और मैं बाद में वॉइस ओवर करती थी अपना। मेरा आ गया बैंड, चले चलो कान पे। मैं कान छुपा ली हूँ, कान पे वैसे भी कुछ नहीं लगानी। चले अब हम लगाएंगे ब्लीच। लो ये देखें कितने मज़े से ब्लीच लग रही है मेरे फेस पे। फिर इसको हटा तो फिर हंस रही है वो। अरे तो मसला क्या है बता, क्यों हंस रही हो? आप लोगों ने भी घर पे ऐसे ही लगानी है ब्लीच, क्योंकि घर में क्यों लगानी है, मेरा पार्लर है, मेरे पार्लर आके लगवाएं। सो मेरे फेस पे अप्लाई हो चुकी है ब्लीच अच्छे तरीके से, ये देखें। और तकरीबन हम इसको छोड़ेंगे 10 to 15 minutes तक। हाँ, इसको हम छोड़ेंगे और फिर हम इसको रिमूव कर लेंगे अच्छी तरीके से।
फिंगर से हल्की सी क्लिंज कर रहे हैं चेक करने के लिए कि ब्लीच हुई है कि नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल फिंगर टिप्स से हो रहा है ये, ज़्यादा हार्ड हाथ से नहीं करेंगे, ओनली ब्लीच है ना, आपकी स्किन पे रैश पड़ सकता है। अगर इस तरीके से आप लोग भी करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसके अंदर स्किन पॉलिश भी इंक्लूड है, सूथिंग मोशन भी इंक्लूड है, कोई इरिटेशन नहीं हो रही, कोई इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वरना अक्सर ब्लीच घर पर औरतें कर लेती हैं तो काफ़ी इरिटेशन होती है फेस पे, रेड हो जाती है स्किन, बर्न हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली करेंगे तो कोई इशू नहीं होता। अब ये करने के बाद मज़ीद हम कितनी देर रखेंगे? बस हटा देंगे, 5 मिनट। 5 मिनट बाद हम रिमूव कर देंगे। हाँ, चीक्स पे से हट जाएगी ब्लीच, क्योंकि सेंसिटिव एरिया होता है हमारा, डार्क सर्कल्स और चीक्स की साइड पे, ये आप लोगों ने मेरी पहले पुरानी वीडियोस के अंदर भी देखा होगा। तो यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे चीक्स की साइड पे से। ज़्यादातर जो स्किन बर्न हो जाती है लोगों की, वो होती भी यहीं से, क्योंकि वो लोग इतनी हार्ड बना लेते हैं, जिसमें ना सूथिंग होता है, ना कैलेंडुला होता है, ना कोई ऐसे क्लिंजर लोशन होता है। और फिर जब स्क्रीन बंद होने वाली है, कोई आगे स्क्रीन ऑन करे, तो यहीं से जलने की जो वजह होती है वो यही होती है कि हम लोग यहाँ पे आधा आधा घंटे तक लगा के औरतें छोड़ देती हैं। तो अगर आप यहाँ से पहले रिमूव कर देंगी और फिर बाकी जो पार्ट है उसको 5 मिनट तक आप लगा के रखें और फिर आप उसको भी रिमूव कर दें, तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ। तो गाइस टाइम हो चुका है, अब ब्लीच पूरी क्लीन हो रही है फेस पे से, अच्छे तरीके से क्लीन करनी है आपने ब्लीच, कहीं से भी ऐसा ना हो कि कहीं लगी हुई है और कहीं से साफ़ हो रही है। ये देखें किस तरीके से क्लीन हो रही है, रिज़ल्ट भी आपको आहिस्ते आहिस्ते उसमें फील हो ही रहा होगा कि जहाँ जहाँ से रिमूव हो रही है ब्लीच, वहाँ वहाँ से कितनी नीटनेस आती जा रही है, कितना साफ होता जा रहा है फेस, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद करवा रही हूँ। क्लिंसिंग वगैरह तो चलती रहती है, लेकिन ब्लीच और फेस पॉलिश में काफ़ी टाइम के बाद करवा रही हूँ। ये देखें कितना क्लीन हो गया, क्लीन ही नहीं आ रहा है मेरा मुँह है, मैं तो मेरे मूंछों के पास से साफ कर दो खुदा के बाद। अरे ऐसे ऐसे कर रही हूं ना, वीडियो बन रही ना, मुझे पूरा स्पंज थोड़ी चला सकते हैं एक साथ। देखें अच्छी तरीके से मेरी ब्लीच नीट हो चुकी है और मेरा फेस कितना ग्लो, कितना 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 अच्छा लग रहा है। और अभी थोड़ी सी एक दफ़ा और क्लीन होगा ताकि कहीं हल्की फुल्की रह गई ये ब्लीच, तो वो वहाँ से भी प्रॉपर हट जाए। उसके बाद कभी हम आपको दिखाते हैं प्रोसेस के आगे क्या होगा इसके बाद। एक दफ़ा और क्लीन होगी ये, ताकि अगर कहीं रह गया है हल्का सा भी एक ज़र्रा भी, तो वहाँ से भी ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी ब्लीच। नमस्ते, मैंने